हेलो फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम के बाद वेब सीरीज़ का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है वूड सेलेक्ट। इसलिए हम आज टॉप 20 सीरीज जो वूड सेलेक्ट पे अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इन सीरीज के बारे में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इन सीरीज में कितने सीजन और कितने एपिसोड्स हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सीरीज को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20 पे है इट्स नॉट दैट सिंपल। ये एक ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है। ये कहानी एक लड़की की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से निराश हो चुकी है, इसलिए वो अपने कॉलेज के दोस्तों से वापस मिलती है और अपनी आगे की जिंदगी अपने शर्तों पर जीने की कोशिश करती है। और इस वेब सीरीज का अब तक 2 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 13 एपिसोड है। नंबर 19 पे है कैसी है यारिया। ये एक रियलिटी टीवी सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5 है। इस सीरियल को पहले कलर्स टीवी पे दिखाया जाता था लेकिन अब इसे आप वूट सेलेक्ट पे देख सकते हैं। ये एक रोमांटिक टीवी सीरियल है जो काफी लोगों को पसंद आया है, इसलिए वूट ने इसे अपना एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां लोग इसे देख सके। और इस सीरियल का अब तक 3 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 350 एपिसोड्स है। नंबर 18 पे है फीट अप विद द स्टार्स। ये एक टॉक शो है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.2 है। इस सीरीज में आपको कई सारे सेलिब्रिटी देखेंगे जिनका इंटरव्यू अनीता श्रॉफ लेती हैं, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। और इस सीरीज में सेलिब्रिटी आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज का अब तक 2 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 17 एपिसोड्स हैं। नंबर 17 पे है फर्स्ट से फैंटेसी। ये एक रोमांटिक वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6 है। ये एक 18 प्लस वेब सीरीज है, यानी बच्चे इस वेब सीरीज को ना ही देखे तो बेहतर होगा। इस वेब सीरीज में रिलेशनशिप के फैंटेसी डिजायर को दिखाया गया है और ये वेब सीरीज काफी लोगों को पसंद आई है। और इसका एक सीजन आया है जिसमें टोटल 9 एपिसोड है। नंबर 16 पे है क्रैकडाउन। ये एक एक्शन क्राइम वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। वेब सीरीज की स्टोरी एक टेररिस्ट अटैक के ऊपर है जहां पे कुछ इंडियन ऑफिसर इस बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक को टालने की कोशिश करते हैं। वेब सीरीज एक्शन से भरी हुई है जो काफी लोगों को पसंद आई है और इसलिए ये आपको भी जरूर पसंद आनी चाहिए। और इस सीरीज का अब तक 1 सीजन आया है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। नंबर 15 पे है कोर्ट रूम। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है। ये वेब सीरीज की कहानी एक कोर्ट रूम के अंदर है जहां आपको दिखाया जाएगा कि लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये वेब सीरीज ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड है और इसका अब तक 1 सीजन आया है जिसमें टोटल 27 एपिसोड्स हैं। नंबर 14 पे है चाइनीज भसड। ये एक कॉमेडी सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। ये कहानी एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिसे चाइनीज चीजों से सख्त नफरत है, लेकिन उसी घर का एक बेटा एक लड़की से शादी करना चाहता है जो लड़की चाइनीज है। वेब सीरीज काफी फनी है जो आपको जरूर पसंद आएगी और इसका एक सीजन है जिसमें 7 एपिसोड है। नंबर 13 पे है शॉर्टकट्स। ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है। असल में ये एक सीरीज नहीं है बल्कि एक शॉर्ट फिल्म है जिसमें 12 अलग अलग स्टोरीज को जोड़कर एक स्टोरी बनाई गई है। स्टोरी काफी थ्रिलिंग है और इस वेब सीरीज को बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और एक बात की तो गारंटी है कि ये शो आपको बोर होने नहीं देगा। नंबर 12 पे है अनटैग। ये एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। ये कहानी 6 लोगों की है जो अपने टैग से दूर होना चाहते हैं, जो टैग उन्हें सोसाइटी द्वारा दिया गया है। वेब सीरीज की स्टोरी मॉडर्न डे सोसाइटी के ऊपर है कि लोग आपको किस प्रकार जज करते हैं। और इस सीरीज में एक सीजन है जिसमें टोटल 6 एपिसोड है। नंबर 11 पे है वॉरियर्स हाई। ये एक ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 है। ये कहानी कुछ स्टूडेंट की है जो वॉरियर हाई स्कूल नाम के स्कूल में पढ़ते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी स्कूल लाइफ के ऊपर है जहां दिखाया जाता है कि बच्चों को स्कूल में किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है और वो उनसे कैसे निपटते हैं। ये वेब सीरीज असल में एमटीवी पे आया करती थी लेकिन अब इसे वूड सेलेक्ट पे वापस से दिखाया जा रहा है। और इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें टोटल 85 एपिसोड्स हैं।
नंबर 10 पे है टाइम आउट। ये एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 है। ये कहानी एक कपल की है जो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, जिसमें जो लड़की है उससे बच्चा चाहिए होता है, लेकिन जो लड़का है वो अभी बाप नहीं बनना चाहता। अब आगे क्या होता है ये तो आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। वेब सीरीज काफी एंटरटेनिंग है और इसे कई सारे अच्छे रिव्यू मिले हैं और इसका एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं। नंबर 9 पे है द राइकर केस। ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। ये एक फैमिली नाइक राइकर्स की कहानी है जिसका एक लड़का सुसाइड कर लेता है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलता है कि उसने सुसाइड नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है और मर्डर किसी फैमिली मेंबर ने ही किया है। वेब सीरीज काफी थ्रिलिंग है जो आपको जरूर पसंद आएगी और इसका एक सीजन है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं और इसका अगला सीजन भी 2021 में आने वाला है। नंबर 8 पे है मर्जी। ये एक ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। ये कहानी दो लोगों की है जो एक डेट पे मिलते हैं, लेकिन डेट के बाद लड़की लड़के पे रेप केस कर देती है। अब वो केस सच है या नहीं ये तो आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा और इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं। नंबर 7 पे है शादी बॉयज। ये एक रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। ये कहानी तीन लड़कों की है जो एक शादी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इंडिया में लोग शादियों के ऊपर ढेर पैसा खर्चा करते हैं। ये वेब सीरीज काफी लोगों को पसंद आया है और इसका अब तक एक सीजन आया है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं। नंबर 6 पे है इलीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर। ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। इस सीरीज में नेहा शर्मा जो कि एक ईमानदार लॉयर होती है, उनको एक केस सौंपा जाता है एक लड़की का जिसने 4 मर्डर किए हैं, और साथ साथ एक और केस सौंपा जाता है जिसमें एक बहुत बड़े बिल्डर के बेटे ने रेप किया है। अब वो इन दोनों केस को कैसे हैंडल करती है यही आप इस वेब सीरीज में देखेंगे और इस सीरीज का अब तक एक सीजन आया जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं। नंबर 5 पे है वेब। ये एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। इस सीरीज में दिखाया जाता है कि कुछ लोग कैसे आपको बहला फुसला कर आपके कुछ फोटोज मांग लेते हैं और फिर उन्हीं फोटोज के जरिए आपको ब्लैकमेल करते हैं, और ये चीज आजकल के सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये सीरीज आपको देखनी ही चाहिए। और इस सीरीज में 2 सीजन है जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। नंबर 4 पे है बिग एफ। ये एक फैंटेसी वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। इस वेब सीरीज में यंगस्टर के कुछ फैंटेसी डिजायर को रियल लाइफ में सच करके दिखाया जाता है, और ये सीरीज पहले एमटीवी पे आती थी लेकिन अब इसे वूड सेलेक्ट पे वापस से दिखाया जा रहा है, और रणदीप हुड्डा इस सीरीज के होस्ट है, और अब तक इसके टोटल 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें 11 एपिसोड्स हैं। नंबर 3 पे है द गॉन गेम। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इस वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है कि यह लॉकडाउन के समय पर आई है और कोरोना वायरस ने हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट किया ये भी इस सीरीज में दिखाया गया है। ये कहानी एक फैमिली की है जिस फैमिली का लड़का कोरोना वायरस पॉजिटिव होता है और वो अपना चेक कराने हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि वो तो हॉस्पिटल गया ही नहीं। अब आगे की कहानी तो आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी और इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें 4 एपिसोड्स हैं। नंबर 2 पे है देव। ये एक क्राइम मिस्ट्री वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। ये कहानी एक डिटेक्टिव देवानंद बर्मन की है जो अपने आप में ही एक पहेली है, और अपनी वाइफ की डेथ के बाद ये आपस में ही उलझा रहता है, और जो इंस्पेक्टर इस डिटेक्टिव के साथ काम करता है उसे लगता है कि इसने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, और इस वेब सीरीज के 2 सीजन है जिसमें टोटल 30 एपिसोड्स हैं। नंबर 1 पे है असुर। ये एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। कहानी एक सीरियल किलर की है जो अपने हर एक डेड बॉडी के पास एक असुर का मास्क छोड़ के जाता है। 2 फोरेंसिक एक्सपर्ट और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस किलर को ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन वो किलर इनसे हमेशा एक स्टेप आगे रहता है, और इस सीरीज का अब तक एक सीजन आया जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और इसका अगला सीजन भी अगले साल आने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 20 सीरीज जो आप वूट पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है, और अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।